हेलो दोस्तों, मैं हूं हरी। मैं आप सभी का होम रेसिपी चैनल में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे ब्रेड ऑमलेट पिज्जा रेसिपी। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं कि ब्रेड ऑमलेट पिज्जा कैसे बनाते हैं और उसके लिए कौन कौन सी चीजें लगने वाली है वो भी देख लेंगे। 50 ग्राम ग्रेटेड चीज, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स, एक चम्मच काली मिर्च, बारीक कटे हुए 6 लहसुन, 1.5 चम्मच पिज्जा सॉस, 2 स्लाइस ब्रेड के, 3 अंडे, मीडियम साइज में कटे हुए 1 टमाटर, 1 प्याज और 1 शिमला मिर्च। सबसे पहले हमें जो काम करना है वो पैन में लगभग 2 चम्मच तेल डालकर प्याज और शिमला मिर्च डाल के इन्हें रोस्ट करेंगे, यानी ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही भून कर लेंगे। प्याज टमाटर शिमला मिर्च को थोड़ा सा भून लेने के बाद ही डालिए टमाटर। इससे क्या होगा, टमाटर थोड़ा सा पक जाएगा। अगर पहले डाल देते ना, टमाटर बहुत गल जाता। ऐसा ही करना परफेक्ट रहेगा, इन्हें ज्यादा बिल्कुल भी नहीं पकाना। दोस्तों इसका भी ध्यान रखिए। चलिए ये भी पक गई है, इन्हें मैं प्लेट में निकाल कर अलग से रख लेता हूँ। इसके बाद हमें पिज्जा का बेस बनाना होगा। पिज्जा का बेस बनाने के लिए ब्रेड के स्लाइस को ऐसे हाथ से पीसेस करके मिक्सी के जार में डाले और इसको ग्राइंडिंग कर ले। ग्राइंडिंग करने के बाद देख लीजिए, ब्रेड का ऐसा ब्रेड ग्राम्स बनेगा। इसी से ही हम पिज्जा का बेस बनाने वाले हैं। अब हम तीनों अंडों को तोड़कर बाउल में डाल देंगे। इसके साथ में जाएगी थोड़ी सी काली मिर्च, चिली फ्लेक्स, स्वाद अनुसार नमक और अंडों को अच्छी तरह से फेंट कर लेना होगा ताकि सारी मिर्च मसाले अच्छे से मिल जाए। पिज्जा बनाने की सारी प्रिपरेशन हो गई है, अभी हम फटाफट पिज्जा बना लेते हैं। पहले हमने जो प्याज टमाटर शिमला मिर्च को रोस्ट करके लिया था वही पैन लेकर पैन में डालेंगे लगभग 1 चम्मच तेल। तेल को चम्मच की हेल्प से फैलाएंगे। ध्यान रखिए, इसके बाद की सारी प्रोसेस हमें गैस का फ्लेम स्लो करके ही करनी होगी। अब डालेंगे फेटा हुआ अंडा। अंडा डालने के बाद तुरंत डालेंगे ब्रेड का बनाया हुआ ब्रेड ग्राम्स। ऐसे ब्रेड का ब्रेड ग्राम्स बनाकर डालने से हमारे पिज्जा का जो बेस है वो सही और परफेक्ट बनेगा। चम्मच की हेल्प से ऐसे करके ऑमलेट को दूसरी ओर से पलट देंगे। ऑमलेट के ऊपर पिज्जा सॉस डाल के स्प्रेड कर लेंगे। अभी डालेंगे चीज, काली मिर्च, चिली फ्लेक्स, बारीक कटा हुआ लहसुन और रोस्ट किए हुए प्याज शिमला मिर्च टमाटर ऐसे रखेंगे। नमक स्प्रिंकल करके लास्ट में और एक बार चीज डालकर पैन को कवर करके गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो रखकर इसे पकने के लिए 4 से 5 मिनट रखेंगे। पांच मिनट बाद देख लीजिए, हमारा ब्रेड ऑमलेट पिज्जा बनकर तैयार है। दोस्तों अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।